हाय गाइस, वेलकम। यू आर लिसनिंग शार्पियर एंड आई एम मोहम्मद अजीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने यूट्यूब के लिंक को फेसबुक के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। फेसबुक की तमाम वीडियोस आप फेसबुक के पेज पर किस तरह देख सकते हैं और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इन्वाइट करके आप यूट्यूब के जो वॉचिंग टाइम है या जो रैंकिंग है उसको आप किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने Facebook ओपन कर लेनी है। Facebook ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पर सर्च करना है YouTube टैब। YouTube टैब सर्च करें, एंटर करें। यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट दिया हुआ है YouTube टैब, इसको ओपन कर लें। आप ओपन करने के बाद यूज़ ऐप पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज शो हुआ है ऐड ऐप, यू मस्ट गिव परमिशन टू ऐड ऐप टू एट लीस्ट वन फेसबुक पेज। अब ये वाला जो मैसेज शो हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो हमारा पेज अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। तो इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास एक पेज क्रिएट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का, क्रिएट पर आ जाएं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पेज के, ऐड के, ग्रुप के, इवेंट्स के। हमें चाहिए पेज, हम पेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मज़ीद हमें दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, बिजनेस और ब्रांड, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। बिजनेस के लिए वो लोग यूज़ करते हैं बिजनेस को जिनकी कुछ प्रोडक्ट वगैरह होती है और वो यूज़ करते हैं। कम्युनिटी क्या है कि एक आम पर्सन जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने ग्रुप का जो नाम आपने रखना है वो आप रखें। बेहतर तो यही होगा कि मैं आपको प्रेफर करूंगा वो यही कि जो आपके YouTube का नाम है वही आप इधर भी नाम रखें। मैं रखता हूँ शार्पलर। कैटेगरी हमसे पूछेगा कि आपकी जो पेज की जो कैटेगरी है वो किसके रिलेटेड है। मैं एजुकेशन कर देता हूँ, एजुकेशन एंड वेबसाइट। कंफर्म करें। तो यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो पिक्चर ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर टेम्परेरी तौर पर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक पिक। अब वो कवर फ़ोटो का कह रहा है तो हम कवर फ़ोटो भी कोई एक ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं ये वाली कवर फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो हमारा फाइनली जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो तमाम पिक्स वगैरह हैं वो तमाम शो हो गई हैं। तो सी मोर पर आपने आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो YouTube का यहाँ पर जो लिंक है वो शो नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है कि YouTube को यहाँ पर हमने ऐड करना है। होम पर जाएं। होम पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करें यूट्यूब टैब। तो यूज़ ऐप पर आपने क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेसबुक की जो टैब है वो यहाँ पर शो हो गई है, फेसबुक पेज है। यहाँ पर क्लिक करें। जो आपका पेज, आपने जिस पेज पर आपने यूट्यूब की जो टैब है वो ऐड करनी है उस पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करें। हमने अभी शार्प लर्न का जो पेज है वो क्रिएट किया था तो मैं शार्प लर्न को सिलेक्ट करता हूँ। ऐड पेज टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर YouTube टैब की इंस्टॉलेशन है वो अब यहाँ पर कंटिन्यू हो गई है। तो हमारी जो टैब है YouTube की वो इंस्टॉल हो चुकी है। सी मोर पर आप आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी YouTube की जो टैब है वो यहाँ पर शो हो गई है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने चैनल की जो लिंक है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। चैनल आईडी है जो मैं यहाँ से YouTube को ओपन करता हूँ।
आपने अपनी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अगर आप ये लिंक यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर शो नहीं होंगी। यहाँ पर आपने हेडर इमेज लगानी है। ये आप हेडर इमेज ना लगाएं, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो तमाम हेडर्स वीडियोज़ हैं वो शो नहीं होती हैं, तो इसलिए आप ये वाली वीडियो यहाँ पर हेडर इमेज मत लगाएं। अब यहाँ पर इसको आपने सेव एंड सेटिंग्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पर ऐड सेटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी YouTube के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई हैं। आप यहाँ से कोई भी वीडियो रन करें तो आपकी यहाँ पर वीडियो वो रन होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को यहाँ फेसबुक पेज पर इनवाइट करके आप वाचिंग टाइम और व्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।